हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। खोलेश्वर जीनियस सीबीसी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट सिखाने वाली हूँ। क्लास थर्ड, चैप्टर नंबर फर्स्ट, मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी डिवाइसेस में क्या क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। फर्स्ट में हमें देखना है मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी इज अ जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। इन कंप्यूटर्स डाटा कैन बी स्टोर ऑन डिवाइसेस कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। द स्टोरेज डिवाइसेस आर ऑल्सो कॉल्ड मेमरी डिवाइसेस। जैसे मेमरी एक इंसानी दिमाग की तरह होती है। इंसान मतलब इसका इस्तेमाल डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए होता है। कंप्यूटर मेमरी एक ऐसा स्टोरेज स्पेस है कंप्यूटर में, जहाँ की डाटा जिसे प्रोसेस किया जाता है और इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोसेसिंग के लिए वहाँ पर स्टोर किया जाता है, कब उसे मेमोरी डिवाइसेस कहते हैं। तो हमें नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी में बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। दे आर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो हमें फर्स्ट में देखना है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या है? तो मेमोरी डिवाइसेस प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसमें से हमें फर्स्ट में प्राइमरी मेमोरी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमें उसमें देखना है प्राइमरी मेमोरी। द टीचर यूज द ब्लैक बोर्ड विल एक्सप्लेनिंग, बट द बोर्ड विल बी वेप दैन व्हेन द क्लासेस इन आवर। सिमिलरली द डाटा इज प्राइमरी मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। जैसे क्लास में टीचर ब्लैक बोर्ड पे सिखाते, एक्सप्लेन करके बताते और वो पूरा इरेज करते, वैसे लास्ट में जाते क्लास ख़त्म होने के बाद वो पूरा इरेज करके जाते, वैसे ही हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ होने के बाद हमारी प्राइमरी मेमोरी स्विच ऑफ हो जाते, मतलब वहाँ से लॉस्ट हो जाती है। सो प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो नाउ एज इंटरनल मेमोरी इज द एरिया इन अ कंप्यूटर इन विच डाटा इज स्टोर फॉर क्विक एक्सेस बाय द कंप्यूटर्स प्रोसेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमरी। प्राइमरी मेमरी इज क्लासीफाइड एज रोम एंड रैम। रैम एक्सेस मेमरी, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। रैम इज यूज टू स्टोर डाटा टेम्पररली। वेन एवर द कंप्यूटर वर्क्स विद डाटा और इंस्ट्रक्शन दे आर फर्स्ट लोडेड इन टू द रैम। Once the power is gone, the information stored in the RAM will be lost. Since the content of RAM is lost when the computer is turned off, RAM is called violent memories. क्या है, RAM में जो store data होता है वो temporary होता है। Temporary data होने से क्या है, इस memory में computer की temporary memory कहते हैं, मतलब temporary होती है उसमें memory, जिसमें कोई भी data store नहीं रहता। कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक उसका डाटा प्रोग्राम टेम्पररी रूप से संग्रहित रहता है और कंप्यूटर प्रोसेस आवश्यक डाटा प्राप्त करने के लिए इस डेटा को उपयोग करता है। और ही आप कंप्यूटर शटडाउन करते हैं वैसे ही सारा डाटा डिलीट हो जाता है। इसी को रैम वॉलेट मेमोरी भी कहते हैं। ये पूरी रैम के बारे में इंफॉर्मेशन, रैम क्या ऐसे यूज़ होता है और उसका उपयोग क्या है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसके बारे में हम जान लेंगे। रोम इज परमानेंट मेमोरी। रोम अलाउ द यूज़र टू रीड बट द यूज़र कैन नॉट स्टोर एंड और रिमूव डाटा फ्रॉम इट, हेंस इट इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। The information it contains is the basic input and output system or BIOS which is used to start the computer. The contents is not lost even when the computer is turned off, hence ROM is called non-volatile memories. यह एक permanently memory है, उसका पूरा नाम read only memory है। इसको तैयार करते समय जो डाटा या प्रोग्राम डाले जाते हैं वो ख़त्म नहीं होते, मतलब वो टर्न ऑफ नहीं होते।
कंप्यूटर स्विच ऑफ होने के बाद भी उसमें डाटा संग्रहित मतलब उसमें डाटा स्टोर रहता है, उसे वो मतलब नष्ट नहीं होता, उसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो हमने आज प्री प्राइमरी मेमोरी में क्या है वो हमने पूरा एक्सप्लेन किया और अच्छे से समझ लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने